क्या नाम है स्कूल का? रातड़िया। रातड़िया, कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं आप? चौथी पांचवी। चौथी पांचवी। आपका क्या नाम है? विनोद परिहार। परिहार साहब, हम आए हैं, आप किस तरह बैठे हुए थे टेबल के ऊपर? टेबल के ऊपर कैसे बैठे? कैसे बैठे? सीधा तो बैठा था। अच्छे बैठे थे? ऐसे पढ़ाते आप रोज बच्चों? नहीं ऐसे नहीं पढ़ाते ना। नहीं आप जैसे अच्छा बैठा? नहीं नहीं ऐसे नहीं बैठते ना कभी, ऐसे बैठते नहीं। नहीं आप टेबल पे पांव रख के आप जैसे कि सो रहे हो इस तरह बच्चों को पढ़ा रहे, क्या ये उचित है? इससे क्या असर होगा बच्चों का? क्या लग रहा है? अरे क्या क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? अरे अभी थोड़ा ये हो रहा है सर्दी, इसलिए भी बैठेंगे, नहीं तो रोज थोड़ी बैठ रहे हैं। सर दर्द हो रहा है? हाँ इसलिए बैठ रहे। हाँ गाँव का स्कूल है, वहाँ पे टीचर टेबल के ऊपर पाँव रख के सो रहे हैं और स्कूल के अंदर सीमेंट के कट्टे भरे हुए और बाहर बच्चों को बैठा के पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, इसकी हम जाँच करवाते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है, शिक्षक को अपनी गरिमा में रहना चाहिए और उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत उसे करना चाहिए और हम शीघ्र ही आपकी इस बात का निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया है कि किस तरह एक शिक्षक टेबल के ऊपर पांव रख के बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या संस्कार जाएंगे बच्चों? नहीं, इसके लिए निश्चित ही जो है हम उस शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और यदि ऐसी स्थिति, चूँकि मैंने आपका वीडियो देखा है उसमें शिक्षक का टेबल पर पैर रखे हुए है, निश्चित है ये एक अच्छी संदेश नहीं है और यदि ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं निर्मित हो इसके लिए हम कड़े कदम उठाएंगे और सभी जहाँ जहाँ भी ऐसा निरीक्षण होगा या जहाँ जहाँ जब जब भी मीटिंग होगी इस बात को रख करके हम इसका पूरा निराकरण करवाएंगे। स्कूल में हम पहुँचे तो वहाँ मध्यान्ह भोजन भी मेनू के अनुसार नहीं है, कई काफ़ी स्कूलों में ऐसा देखने को मिला, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित है मध्याह्न भोजन की जो बात होती है, वैसे समय समय पर हमारी बीआरसी की और डीपीसी महोदय की टीम निरीक्षण करती है, जिला पंचायत के द्वारा भी कई बार निरीक्षण किया जाता है, फिर भी यदि कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो उसका निराकरण हम करवाएंगे।